एक विद्यार्थी दो सीट बर्बाद करेगा, इस वीडियो के यही टॉपिक है। और थोड़ा सा इस टॉपिक के आने से पहले एक कैंडिडेट का व्यू, इन्होंने लिखा है कि रेलवे का सराहनीय कदम, एक बार में ही ज़्यादा वैकेंसी निकाल देता तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा उसे दोबारा रेलवे में फॉर्म भरने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता और बच्चे को ओवर एज हो जाते। अब हर साल वैकेंसी आएगी और स्टूडेंट को बार बार मौका मिलेगा तो किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस रेशियो 1/2% होता है, 98% बच्चे असफल होते हैं तो 100% बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, तो 1-2% कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाता। तो हर साल मौका मिलेगा रेलवे में जॉब के लिए, यानी अच्छा बता रहे हैं कैंडिडेट, लेकिन ये कमेंट अपने में ही मिसलीडिंग है, यानी एक दूसरे का प्रतिविरोध है। अगर मैं कहूं कि अगर 1-2% कैंडिडेट को सिलेक्शन मिलता है तो एनटीपीसी में भी ले लेगा, ग्रेजुएट में भी ले लेगा, अंडर ग्रेजुएट में ले लेगा, एलपी में भी ले लेगा, टेक्नीशियन में भी ले लेगा और ग्रुप डी में भी ले लेगा। तो 1-2% घट के 0.5% रह जाएगा जॉब लेने वाला का, और वो जॉब तो एक ही में करेगा लेकिन सारे सीट बर्बाद कर देगा। और वेटिंग लिस्ट है नहीं कि डायरेक्ट आपका उसका बेनिफिट मिलेगा, मिलते मिलते 1-2 साल 3 साल हो जाएगा। देखा ही आपने कि उनकी जब बेनिफिट मिलती है, रिप्लेसमेंट डीबी आती है वगैरह वगैरह आती है, तो कितना टाइम लग जाता है ये कारण से। तो ये वीडियो का टॉपिक एक ही है, RRP LP टेक्नीशियन 2024 और NTPC 2024 में जो वैकेंसी की बात हो रही है वो सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नहीं रह गया है, अब डिसेंट्रलाइज हो गया है। RPF की SI का अलग, कांस्टेबल का अलग, NTPC ग्रेजुएट का अलग, अंडर ग्रेजुएट का अलग, LP की अलग, टेक्नीशियन की अलग, NTPC में भी आपका ग्रुप डी में भी ITI का लगभग नोटिफिकेशन तो एक ही रहेगा लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग और वगैरह अलग। तो कुल मिला के जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं 1-2%, 3%, 4% और मुश्किल से 10%, उसमें से 1-1.5% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका सिलेक्शन सब में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इशू यहाँ केवल जॉब में छटेगा ना कैंडिडेट, ये मैं पहले बता दूं कि थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ना कैंडिडेट किसी एक जॉब में करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले कितने CBT 1 और CBT 2 हो जाएगा। मान लीजिए हम हैं मोहन, मेरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी, रेलवे लाइफ वाले हैं। अब हम रेलवे लाइफ वाले हैं, हमने पढ़ा नहीं कुछ, मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और वो एक बार वैकेंसी आए, 10 बार वैकेंसी आए या 50 बार आए, नहीं होगा। लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेधावी छात्र हैं, दिन रात मेहनत करके अपनी स्किल को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्होंने वो बोला है कि मैं तो पढ़ूँगा और एग्ज़ाम निकालूँगा, तो एग्ज़ाम निकालूंगा तो CBT 1 में, LP में भी निकाल लिया, टेक्नीशियन में भी निकाल लिया, NTPC में भी निकाल लिया, आपका अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो RPF कॉन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर में भी निकाल लेगा, आपका ग्रुप डी Level 1 में भी निकाल लेगा। और यहाँ तक ये कैंडिडेट एक ही है लेकिन काउंट कितने जगह हो रहा है? पाँच जगह। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 जगह ये विद्यार्थी काउंट हो गया। जब रिजल्ट ज़्यादा आगे बढ़ते जाएगी तो आगे जाके कंपटीशन लेवल कम होगा और पहले का जो एवरेज कैंडिडेट है वो जॉब के रेस से पहले ही बाहर हो जाएगा, CBT 1 में ही, CBT 2 में ही हो जाएगा, साइको से पहले ही हो जाएगा। लेकिन DB में तो कैंडिडेट वही जाएंगे जो प्योर, एक कैंडिडेट 2-3 जगह सेलेक्टेड होंगे। तो कुल मिला के आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट गड़बड़ ना हो, इसलिए रेलवे लाइफ ने चैनल बनाया है। हालांकि व्यू बहुत कम आते हैं ये मुझे पता है, और लोग उल्टा भी बहुत चैनल पे बोलते हैं, खास करके कुछ यूट्यूबर जिनका अपना बिजनेस इफेक्ट होता है यहाँ चैनल पे आके उल्टा बोलते हैं। लेकिन कंसेप्ट ये समझिए कि कंसेप्ट ये है कि जितनी वैकेंसी अलग अलग आएगी उतना नुकसान एवरेज कैंडिडेट को होगा, एवरेज कैंडिडेट को होगा। टॉपर के लिए सीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए चाहे वैकेंसी NTPC की 11,558 आए या 35,000 आए या 3,000 आए या 2,000 आए, वो मेहनत करके कंपटीशन में बना रहेगा। सिलेक्शन पक्का सिलेक्शन तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन कंपटीशन में वो बना रहेगा मेहनत के बदौलत। लेकिन एवरेज कैंडिडेट वैकेंसी के बदौलत ही कंपटीशन में बना रहता है,
इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़्यादा वैकेंसी का बेनिफिट क्या है, वो भूल जाइए। हालांकि वैकेंसी 4 साल से आई है, 4 साल 5 साल पे आई है, इसलिए लोगों का दर्द है। अगर रेगुलर वैकेंसी आती अगले साल 2024 के बाद 2025 में कम वैकेंसी देना, हम भी नहीं बोलेंगे रेलवे को, क्योंकि रेलवे को जितना प्यार आपको है उससे 20 गुना प्यार रेलवे से मुझे है, क्योंकि मेरा रोटी रेलवे से ही चलती है, ये यूट्यूब से चाय के पैसे भी नहीं मिलते। लेकिन ध्यान रखिए कि रेलवे अगर गलत कर रहा है स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट को भी अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकली देखेंगे तो पहले वैकेंसी रेगुलर आने लगेगी ना, तो वैकेंसी जो खाली रहेगा वही आएगा। लेकिन संसद में बोल दिया जाए कि 3 लाख पद खाली है, और जब वैकेंसी आए तो 65,000 भी नहीं पूरा हुआ अभी तक का, और 6 नोटिफिकेशन और प्लस 2 उसके नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के, 8 नोटिफिकेशन आने के बाद भी 65,000 वैकेंसी नहीं हुई, तो पर नोटिफिकेशन आप समझ सकते हैं बहुत कम पोस्ट है और पीछे वाले मुकाबले कम है। तो ध्यान रखिए टॉपर का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, आपने कंसेप्ट अच्छा पकड़ा, 1-2% कैंडिडेट टॉपर का ही सिलेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को बार बार भर्ती देने से जॉब मिल जाएगी। एवरेज कैंडिडेट बार बार डिसलेक्ट होंगे और अच्छे कैंडिडेट बार बार सेलेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।